रेस्टोरेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वन पे। तो आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि कैसे आप सेमेस्टर 2 बीएड का प्रैक्टिकम बना सकते हैं। अगर आप वर्धमान यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप अच्छा से समझ सकें कि कैसे प्रैक्टिकम को बनाया जाता है और कैसे इसको तैयार करके कॉलेज में सबमिट किया जाता है। तो कैसे फ्रंट पेज को डिज़ाइन किया जाता है, कैसे आपको लिखा जाता है, क्या क्या लिखना पड़ता है प्रैक्टिकम में, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में आज हम बताएंगे। तो आप अंत तक देखिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं कैसे प्रैक्टिकम बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहला आपका यहाँ दिख रहा है फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में देखिए सबसे पहले ऊपर में यहाँ कॉलेज का नाम लिख लेना है, जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉलेज का नाम। तो सबसे पहले आपको अपना कॉलेज का नाम लिख लेना है। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है अग्निवीणा कॉलेज ऑफ एडुकेशन, जहाँ जहाँ ये बीएड का कॉलेज है, अग्निवीणा कॉलेज ऑफ एडुकेशन, जहाँ से हम बीएड किए हैं उस कॉलेज का ये नाम है। तो इसमें देखिए कॉलेज का नाम लिख लेना आपका फ्रंट पेज में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान ये सब लिखना है। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो भी अच्छा, नहीं लिखना चाहते तो भी अच्छा। एड्रेस लिख सकते हैं कॉलेज का कि कहाँ का, कहाँ किस जगह में कॉलेज है, ठीक है, इस प्रकार लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका ये कौन चीज़ बना रहे हैं आप, ये आपका प्रैक्टिकम है, तो प्रैक्टिकम यहाँ लिख लीजिएगा। इस प्रकार से लिखने के बाद सबसे पहले आपको बता देते हैं ये फ्रंट पेज जो तैयार करना है आपको, इसको आप प्रिंट आउट करा के कंप्यूटर से डिज़ाइन करके लगा सकते हैं, अन्यथा आप इसको अपने से पेन से, स्केच पेन से अपने से डिज़ाइन करके बना सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ प्रैक्टिकम लिख लीजिएगा। प्रैक्टिकम लिखने के बाद आपका कोर्स का जो कोड है, कोर्स कोड लिखना है यहाँ आपको। देखिए कोर्स का जो कोड है ये 9 है, कोर्स का कोड लिख लीजिएगा। उसके बाद कोर्स का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है वो लिखना है। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका मतलब होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है आपका सीखने के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन सीखने के लिए मूल्यांकन, इसका सब्जेक्ट का नाम है। तो इस प्रकार ये सब लिख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे जाना, नीचे आपको अपना नाम लिखना है। देखिए इस प्रकार यहाँ नीचे अपना आपको नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको कौन सा सेमेस्टर का ये है, ये सेमेस्टर 2 का है, तो सेमेस्टर 2 लिखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ अपना रोल नंबर लिखना है, उसके बाद स्टूडेंट आईडी लिखना है, उसके बाद कौन सा सेशन है आपका, सेशन लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपका देखिए थोड़ा छोटा करके आपको दिखा रहा है, इस प्रकार से आपका ये फ्रंट पेज रेडी हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रंट पेज को रेडी कर लेना है, तैयार कर लेना है। देखिए इस प्रकार से फ्रंट पेज को आपको तैयार करके उसके बाद फिर आपको फर्स्ट पेज में जाना है। फर्स्ट पेज कैसे लिखना है वो भी आपको बता रहे हैं। और ये देखिए ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये पेज कौन सा है ये भी आपको बता देते हैं। ये आपको A4 साइज का वाइट पेज लेना है, जो कि आपका जेरोक्स में काम आता है, वही है A4 साइज का पेपर जो कि वाइट पेपर है वो लेना है आपको। उसी में आपको पूरा प्रैक्टिकम को बनाना है। तो ये आपका फ्रंट पेज हो गया, फ्रंट पेज आप देख लीजिए। अब देखिए इसमें लिखा क्या गया है, कैसे लिखा गया है। तो इस प्रकार से देखिए इसमें नीचे फिर चलते हैं फर्स्ट पेज पे और दिखाते हैं आपको। देखिए फर्स्ट पेज पे यहाँ लिखा हुआ है एक्नोलेजमेंट। एक्नोलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति। तो स्वीकृति में जैसे कि यहाँ लिखा हुआ उस प्रकार से आप इसको देख के लिख सकते हैं। इसी प्रकार से स्वीकृति में, एक्नोलेजमेंट में आपको लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार लिख लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए नीचे चलते हैं और क्या लिखा हुआ है। देखिए फिर दूसरा नंबर पेज में आते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर पेज में देखिए कंटेंट लिखा है। कंटेंट में मतलब, कंटेंट का मतलब होता है सामग्री। कौन सा सामग्री आप प्रैक्टिकम में, कौन सा सामग्री बना रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ थोड़ा छोटा सा पेज लिख के इसमें फेज में आपको कंटेंट में लिखना है कि आप क्या लिख रहे हैं इस प्रैक्टिकम में, उसके बारे में यहाँ पे आपको छोटा करके लिखना है। तो देखिए यहाँ कंटेंट में आपको किस प्रकार लिखना है, इस प्रकार से आप थोड़ा स्केल से लकीर खींच लीजिएगा। उसके बाद सीरियल नंबर देना है, कंटेंट लिखना है, पेज नंबर लिखना है।
मतलब कंटेंट में आपको सामग्री के बारे में आप कितने पेज नंबर में कौन सा कंटेंट लिखे हैं, कौन सा सामग्री के बारे में लिखे हैं उसके बारे में यहाँ आपको लिखना है और पेज नंबर देना, कितने पेज में आप क्या लिखे हैं। तो देखिए सीरियल नंबर वन, सीरियल नंबर वन जैसे लिखा हुआ, सीरियल नंबर वन में क्या है, अचीवमेंट टैक्स। अचीवमेंट टैक्स का मतलब होता है आपका उपलब्धि पार्ट। तो उपलब्धि पार्ट के बारे में आप कितने पेज नंबर पे लिख रहे हैं उसका, इसका पेज नंबर भी आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि अगर आप 1 से 4 नंबर पेज तक अचीवमेंट टैक्स के बारे में लिखे हैं तो यहाँ आपको लिखना है इस प्रकार से, वन से आपको 4 तक, 1 से 4 लिख दीजिएगा। 1 से 4 लिखने के बाद आपको फिर यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में, सीरियल नंबर में क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट का मतलब होता है खाका तैयार करना। तो आप खाका कैसे तैयार करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, तो इसके आपको खाका तैयार करना है और उसको तैयार करते हैं कितने पेज नंबर से, कितने पेज नंबर में आप उसके बारे में लिखें वो भी आपको यहाँ लिखना है। मान लीजिए आप यहाँ से 1 से 4 तक लिखे थे वो अचीवमेंट टैक्स, उसके बाद यहाँ से आपको 5 पेज नंबर से आप लिख रहे हैं 8 पेज नंबर तक, तो आपको यहाँ 5 से 8 लिख देना है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो आप प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र की तैयारी, आप प्रश्न पत्र की तैयारी कैसे करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो आप प्रश्न पत्र के बारे में जिस जहाँ पे लिख रहे हैं प्रश्न पत्र की तैयारी के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन के बारे में कितने पेज नंबर से कितने पेज नंबर तुम लिखे हैं उसका पेज नंबर आपको यहाँ लिखना है। जैसे वहाँ पे लिखे थे आपका 5 से 8 तक लिखे थे, तो यहाँ पर मान लीजिए आप 9 से 12 तक लिख रहे हैं या 11 पेज नंबर तक लिख रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार आप कंटेंट में लिख लीजिएगा, ये कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे चलते हैं और नीचे दिखाते हैं क्या क्या है। तो देखिए नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टैक्स। तो आपका यहाँ पे जो आप लिखे थे अचीवमेंट टैक्स के बारे में, तो अचीवमेंट टैक्स के बारे में यहाँ पे आपको 1 नंबर पे लिखना है। तो अचीवमेंट टैक्स के बारे में आप जब लिखिएगा तो ये देखिए यहाँ पे किताब का पेज का स्कैन करके यहाँ पे आपका डाला हुआ है पीडीएफ में, तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है अपना हाथ से, यानी कि अपना हाथ से अपना तैयार करना है आपका प्रैक्टिकम को। तो आप इसको देख के अपना हाथ से लिख सकते हैं, तो आप हाथ से इस प्रकार देख के लिख लीजिएगा मीनिंग ऑफ अचीवमेंट के बारे में, मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टैक्स के बारे में आपको लिखा हुआ है, उपलब्धि पार्ट का मीनिंग क्या है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, उसको आप सारा लिख लीजिएगा। लिखने के बाद देखिए फिर दूसरा नंबर पे आप क्या लिखे थे, दूसरा नंबर पर प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का खाका कैसे तैयार करना उसके बारे में लिखना है। तो आपको देखिए ये वीडियो को हम धीरे धीरे पार कर रहे हैं, तो आप आराम से इसको स्टॉप करके पॉज करके देख लीजिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। तो आप इस प्रकार से देख के लिख सकते हैं अपने से और इसको कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने से आराम से अपने से तैयार कर सकते हैं, इसको नहीं लिखिएगा। तो आपको सिर्फ इसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है, इसको आप खुद से अपने से तैयार कर सकते हैं और ये सारे चीज़ आपको अपना बुक पे मिलेंगे। आप बुक अगर लिए हैं तो अच्छा, नहीं लिए हैं तो बुक खरीद लीजिएगा, उस बुक से देख के आपको सारा प्रैक्टिकम का क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के उसको बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीवमेंट टैक्स के बारे में लिखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्टिव टैक्स के बारे में भी अभी दिखा रहा आपको। तो ये ऑब्जेक्टिव टैक्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको तैयार करना है ब्लूप्रिंट, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, खाका तैयार करना है आपको। तो ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए देखिए इस प्रकार से आप ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। स्टेप वन में लिखना है क्या, एडुकेशन साइकोलॉजी डेवलपमेंट, यानी कि आपका इसका मतलब होता है कि आप शैक्षणिक मनोविज्ञान विकास कैसे कर सकते हैं। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान का विकास आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट तैयार करना है। तो ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए आपको इस प्रकार से लिखना होगा, देखिए यूनिट में 1, 2, 3 यूनिट लिखा गया है, चैप्टर लिखा गया है, क्या क्या आप ब्लूप्रिंट तैयार करें उसके बारे में इस प्रकार से लिखा गया है।
फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इसका आपको कैसे विकास करना है, फिजिकल विकास कैसे करना, सोशल विकास कैसे करना, मेंटल विकास कैसे करना, उसके बारे में आप कैसे बच्चा को समझाते हैं उसके बारे में लिखा गया है। फिर स्टेप टू में देखिए आप एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में आपको आप नॉलेज के बारे में और अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, टोटल यहाँ पे किस में कितना मार्क्स दे रहे हैं स्टूडेंट को, वो यहाँ पे तैयार किया गया है, लिखा गया है, उस प्रकार आप भी देख के लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार आप तैयार कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे चलते हैं, नीचे देखिए स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में आपको लिखा है क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन टाइप, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन टाइप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे बना के दिखाया गया है, तो आप भी इस प्रकार से बना लीजिएगा। जैसे कि आप उसी क्वेश्चन को बनाए हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का कितना मार्क्स दे रहे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का कितना मार्क्स दे रहे हैं, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन का कितना मार्क्स दे रहे हैं, कितना परसेंटेज दे रहे हैं उसमें, वो सारा चीज़ यहाँ आपको ब्लूप्रिंट में तैयार करना है। फिर स्टेप फोर में देखिए चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो चैप्टर वाइज आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे तैयार किया गया है। तो ब्लूप्रिंट में बेसिकली यही सब किया जाता है, जैसे कि आप स्टूडेंट को कैसे पढ़ाइएगा, कैसे मार्क्स दीजिएगा, कैसे उसका ब्लूप्रिंट तैयार कीजिएगा, ये सब के बारे में ही आपका इसमें इस प्रैक्टिकम में बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट 1, 2, 3, 4 टोटल 1, 2, 3 है, तीन यूनिट में आप किस सब्जेक्ट में किसको कितना मार्क्स दे रहे हैं चैप्टर में, वो यहाँ पे आपको कैसे तैयार करना है वो दिखाया गया है, तो आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर आपका आता है ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, तो देखिए इसमें ब्लूप्रिंट में आपको दिखा रहा है, धीरे धीरे आप देख लीजिए कैसे बनाना है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ स्टेप फाइव, स्टेप फाइव में भी इस तरह से आपको ब्लूप्रिंट तैयार करना है, तो इस प्रकार से स्टेप फाइव में आप ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिएगा। देखिए छोटा करके आपको दिखा देते हैं कैसे तैयार करना है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ऐसे करके ही आपको भी बनाना पड़ेगा अगर आप वर्धमान यूनिवर्सिटी से कोई भी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपको सेम इसी तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करना है। तो हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है ताकि आपको हेल्प हो सके बीएड करने में, क्योंकि कॉलेज में इतना अच्छा से आपको बताया नहीं जाएगा, आपको सिर्फ कह देगा, क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा कि आप इसका प्रैक्टिकम बना के ले आइए। इसीलिए जो स्टूडेंट कॉलेज रेगुलर नहीं कर पाते हैं उन लोग के लिए हम वीडियो लेके आते हैं, बताते हैं कैसे क्या तैयार करना है, कैसे क्या बनाना है बीएड में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी बीएड रिलेटेड नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें और सीख सकें कि कैसे प्रैक्टिकम बनाया जाता है। हम इस वीडियो में प्रैक्टिकम, असाइनमेंट, बीएड रिलेटेड न्यू जॉब अपडेट और मैथ का ट्रिक सारा कुछ बताते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप जब भी आपका नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप उस वीडियो को देख सकें। तो देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे तैयार करना है, एजुकेशन साइकोलॉजी डेवलपमेंट का क्वेश्चन तैयार करना है कि आप स्टूडेंट को जो है कैसे क्वेश्चन तैयार करके प्रोवाइड कीजिएगा, कैसे कितना मार्क्स दीजिएगा, किस तरह से क्वेश्चन स्टूडेंट को आप बनाने दीजिएगा, कैसे वो क्वेश्चन को बना के आपको दिखाएगा। तो देखिए ये क्लास आपका क्लास 11 का है, क्लास 11 के लिए आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं वहाँ पे यहाँ सारा कुछ बताया गया है, बनाया गया है, तो आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं खुद से भी। देखिए यहाँ टाइम दिया गया है इस क्वेश्चन में आपको, देखिए यहाँ पे 11 क्लास का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए टाइम दिया गया है 1 घंटा और फुल मार्क्स है आपका 45, और किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स दिए हुए हैं वो भी देखिए यहाँ पे साइड में मेंशन किया गया है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है तो वो भी आप देख सकते हैं और बना सकते हैं खुद से, इसको देख के समझ के आप अपने से बना सकते हैं, अन्यथा आप इसको भी देख के बना सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन तैयार किया गया है, तो इस क्वेश्चन को तैयार करने के बाद आप कॉलेज में कैसे
स्कूल में कैसे स्टूडेंट को पढ़ाइएगा, कैसे क्वेश्चन पूछिएगा, वो सब के बारे में यहाँ ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। तो देखिए ये ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे बिब्लियोग्राफी लिखना है। बिब्लियोग्राफी में आपका इसका मतलब होता है ग्रंथ सूची। तो ग्रंथ सूची में आप जो ये ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं ये कहाँ से तैयार किए हैं उसके बारे में कुछ यहाँ पे आपको ग्रंथ सूची लिख देना है। तो देखिए यहाँ विश्वास रक्षिवृता जो है इसके इस जो किताब लिखे हैं वो अहिल्ला पब्लिकेशन का किताब है जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए है और ये इन्होंने लिखे हैं। तो इनका किताब से आप देख के लिखे हैं, इनका मतलब यही है। बिब्लियोग्राफी का मतलब यही है, ग्रंथ सूची का मतलब कि आप उसको कहाँ से तैयार किए हैं उसके बारे में यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ मुखर्जी अमल शंकर, तो मुखर्जी अमल शंकर द्वारा लिखा किताब है एजुकेशन असेसमेंट लर्निंग। तो ये आपका कौन सा ये पब्लिकेशन कौन सा है, तो ये रीता पब्लिकेशन का किताब है। उसके बाद देखिए यहाँ शंकर डॉक्टर अमल कांति, तो डॉक्टर शंकर अमल कांति जो है इन्होंने किताब लिखी है रीता पब्लिकेशन में जो पब्लिश होता है उनका किताब। तो उससे देख के आप असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में देख के और आप ये ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं इसका, इस जो ग्रंथ सूची का मतलब यही है कि आप कहाँ से इसको देख के लिखे हैं उसके बारे में यहाँ आपको लिखना पड़ता है। तो आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको कॉलेज में सबमिट कीजिएगा। तो देखिए आपका वीडियो आज यहीं तक था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।